गांव की महिलाएं बाहर निकलने में झिझकात आती है उनको, हम भी कुछ करना चाहे कुछ बाहर निकलें, जब हमें देखती है तो उन्हें लगता है कि काम तो कुछ करती। नमस्कार, मैं हूँ सुमेश्ता बिश्नोई और आज की ये बड़ी खास तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बहुत ही खास कार्यक्रम आयोजन किया गया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको पुरुषों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर जो है चलने के लिए, इसके साथ में उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बीकानेर में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत आज से 115 वर्ष पहले हुई थी, जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर 15,000 महिलाओं ने परेड निकाली थी। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रस्तावित किया गया था और तब से ही 115 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसी प्रकार से हर वर्ष मनाया जाता है। और इसी वर्ष जो है बीकानेर में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए, उनको आगे से आगे बढ़ाने के लिए, उनको हर चीज़ में आगे करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये बीकानेर के गांधी पार्क में खास कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को जागरूक करने के लिए साथ ही में उनको पुरस्कारित भी किया गया है। देखिए, यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पर महिलाओं को जो है ये सम्मान प्रतीक दिए गए हैं, ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, जिनके द्वारा उनको बढ़ावा दिया जा रहा है आगे से आगे कार्य करने के लिए। नमस्कार मैम, आपका SSC न्यूज़ पर स्वागत है। मेरा नाम राजू देवी जैन है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ खाजूवाला से। जी, ये पुरस्कार मिला है मेरे को, मैं अति प्रसन्न हूँ। महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए ये दिया गया है। ये देखिए, इनको ये जो है पुरस्कार मिला है आंगनवाड़ी, हम बहुत प्रसन्न हैं। जी जी, हमें सम्मानित किया गया है आज के दिन, महिला दिवस के दिन, अति खुश है हम। मैं संतोष रामा हूँ, तो गांव किसनासर से हूँ, 500 तहसील से। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, मैं आंगनवाड़ी में सभी महिलाओं से बहुत बेहद प्यार करती हूँ। मेरी गांव की महिलाएं, उनको मैं आगे लाना चाहती हूँ। स्वयं सहायता समूह भी मैंने बनाया है, मैं सोचती हूँ कि महिला आगे आए और अपना कार्य करे, आत्मनिर्भर बने, इसलिए मैं सारा काम अच्छे तरह से करना चाहती हूँ। महिला खूब जुड़ी है, 60-70 महिला समूह में भी जुड़ी है। मैं काम कर रही हूँ, 23 साल हो गए मेरी नौकरी लगी हुई। ये जो महिला दिवस के, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उपलक्ष्य में, तो इस प्रकार से जो महिलाओं को आगे आने के लिए किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि गाँव की महिलाएं बाहर निकलने में झिझकात आती है उनको, जैसे हम आते हैं फोटो लगाते हैं करते हैं तो वो देखती है तो उनको अच्छा लगता है, वो भी सोचती है कि हम भी कुछ करना चाहे कुछ बाहर निकलें। वैसे खूब प्रयास करने से खूब गांव में बदलाव आया है, महिला बहुत अच्छा काम कर रही है मेरे साथ मिलकर। महिला किस प्रकार से पुरुषों के समान आ सकती है? महिला जैसे कोई भी काम कर सकती है, वो करना चाहती है, लेकिन उनसे झिझकाट होती है, वो कहती है मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जब हमें देखती है तो उन्हें लगता है कि काम तो कुछ करती है। जैसे मेरे छोटे जेठूते की बहू है, वो अंगूठा छाप थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसकी बच्ची थी, वो एडमिशन हुआ तो वो जाकर साइन करना चाहती तो उसे साइन नहीं आया, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अनपढ़ हूँ। फिर मैंने उसे ओपन बोर्ड में फार्म भरवाया, फिर उसने 10वीं पास की, अब उसने 12वीं पास की, अब वो समूह में अध्यक्ष बनी है, तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे देखकर मेरे गांव की बहुत महिला प्रभावित हुई है। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतने, मैं सुमेश्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से, धन्यवाद। इसी तरीके की खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SSC न्यूज़।